हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेस के अंदर एक टेबल मैंने बनाई हुई है। अब वो टेबल क्या है, देखिए ये वो टेबल है। अब ये सेम फीलिंग आपको आएगी जब आप MySQL यूज करेंगे, SQL सर्वर यूज करेंगे, तो यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किया है, तो यहां पर देखिए ये रोल नंबर है, रोल नंबर यहां पर आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद ये नेम है और फिर क्लासेस हैं अलग अलग, फिर उन स्टूडेंट्स की DOB है यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर जेंडर है इनका मेल या फीमेल, तो मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है इसके लिए, और फिर सिटी का नाम है, तो इसमें आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है और दुबई और मास्को भी है, ठीक है। उसके बाद इनके मार्क्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई है और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब हमको क्वेरी क्या लिखनी है, क्वेरी जो पहली हमें लिखनी है वो कि हम जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सिटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितनी सिटीज हैं उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी है, काउंट करना चाहते हैं सिटीज के नंबर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस टेबल को क्लोज कर देंगे और यहां से क्रिएट पे जाएंगे, फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, देन यहां पर SQL पे चले चलेंगे और यहां पर वो क्वेरी हमें लिखनी होगी, ठीक है। अब क्वेरी कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है सेलेक्ट, सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है, तो यहां पे सेलेक्ट लिखा हमने, और सेलेक्ट लिख करके यहां पे काउंट जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसका प्रयोग करेंगे और हमको पूरा काउंट करना है, इसीलिए यहां पे स्टार सिंबल यानी एस्टेरिस्क का सिंबल लगाया है। फिर यहां पे कॉमा देता हूं, फिर सिटी को काउंट करना है तो यहां सिटी दे दिया, और ये कहां से आएगा तो फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे क्या है, स्टूडेंट है, तो जो टेबल का नाम होगा वही देना है आपको, तो ये दे दिया स्टूडेंट। और स्टूडेंट देने के बाद यहां पर आपको लिखना है ग्रुप बाई, जैसे मैं लिख रहा हूं GROUP ग्रुप और फिर बाई, तो वैसे ही आपको लिख देना है ग्रुप बाई, कैपिटल स्मॉल हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे लिखूंगा सिटी, ठीक है। अब इसमें एक क्राइटेरिया भी दी गई है, ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है कि वो सिटी जो कि यहां पर ग्रेटर देन वन हो, माने एक से ज्यादा बार आई हो, उसी को हमें काउंट करना है, तो सिटी। और यहां पे एक चीज और दे देते हैं, हैविंग दे देते हैं, HAVING हैविंग, यहां पे दे देंगे काउंट, COUNT काउंट, और यहां एस्ट्रिक यानी कि स्टार लगा देंगे ताकि सारी सिटीज को ये काउंट करे, जिनका यहां पे देखिए ये ग्रेटर देन लिख दिया हमने, ग्रेटर देन वन यानी एक से ज्यादा बार जिनका नाम आया हो उनको काउंट करके ये दें। ये वो क्वेरी है। अब इस क्वेरी को चलाने की बारी है, तो यहां से इसको चला सकते हैं चाहे तो यहां पर रन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही रन पे क्लिक किया तो देखिए दिल्ली एक सिटी है जो दो बार आई है, ठीक है। हम एक काम और कर सकते हैं, तो यहां पर जैसे ही रन कराएंगे तो ये देखिए दिल्ली दो बार आया, एक बार चेक करते हैं दिल्ली दो बार आया नहीं, मास्को भी दो बार आया और मुंबई भी दो बार आया है। तो अपने टेबल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या दो बार आया है, तो आगरा तो आया नहीं है लेकिन मुंबई दो बार आया है, ये देखिए एक और ये दो, दिल्ली भी दो बार आया है और मास्को भी दो बार आया है, तो वही रिजल्ट जो है ये शो कर रहा है, दिल्ली मास्को और मुंबई यही दो दो बार आया है, तो ये काउंट करके हमें दे रहा है। तो यही वो तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली क्वेरी हो गई, ठीक है। अब दूसरी क्वेरी लिखनी है तो उसके लिए तो दूसरी क्वेरी लिख देते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं और यहां पर अब दूसरी क्वेरी लिखने वाले हैं, यानी कि मैक्सिमम DOB काउंट करना है और मिनिमम DOB काउंट करना है, एक ही साथ काउंट करना है। सवाल यही है कि एक ही साथ काउंट करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ देंगे मैक्स, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे DOB चाहते हैं, देखिए DOB कैसे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये DOB इस तरीके से लिखा गया है, तो यहां पर जाकर के मैक्स कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे DOB, ठीक है, DOB ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, फिर कॉमा लगा देना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे MIN, मिन लगा दिया है, और मिन लगा के फिर यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे DOB दे देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम, टेबल का नाम होगा हमारे स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट कर दिया और इसको टर्मिनेट कर देंगे, तो ये हमारी दूसरी क्वेरी हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहला क्वेरी आपको दिखाया, ये दूसरी क्वेरी है, तो यहां से आप इसको रन कराते हैं तो देखिए यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम, ये सेकेंड वाला मिनिमम DOB है और ये मैक्सिमम DOB है, ठीक है, यानी 1995 मैक्सिमम है और 1993 मिनिमम है। तो एक बार चेक करते हैं, अपने टेबल को ओपन करते हैं, तो यहां पे देखिए 95 93 94 95, माने मैक्सिमम 95 ही दिखाई पड़ रहा है और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 93 वाला है, तो 93 वाला मिनिमम आपको दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी क्वेरी आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे लिखी गई है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।